अभी दलाई लामा बोध गया में भाषण दे रहे थे, अपना प्रवचन कर रहे थे, 86 देश का वहां लोग आए थे, 86 देश का दलाई लामा जी का बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए, यानी सम्राट अशोक की संस्कृति सुनने के लिए। मालूम है क्या हुआ, महाबोधि जो ट्रेन दिल्ली से चलती है और बोध गया जाकर उस ट्रेन को आपने बंद किया। बोध गया महाविहार जहां बुद्ध ने 6 साल रिसर्च किया था, उसके नीचे आप बता रहे हैं शिवलिंग है। ये सम्राट अशोक की संस्कृति कैसी थी? ऐसा सम्राट अशोक जो मानव मानसिक और शरीर दोनों से स्वतंत्र करता है। अशोक की संस्कृति बुद्ध की संस्कृति है 7 देश, एक हुआ 8वां श्रीलंका। 7 देश जिसमें अशोक की संस्कृति, इन देशों में जो अशोक की संस्कृति गई है उसके तरफ से भारत, थाईलैंड पूरा बौद्ध है, वहां का जो बिहार महाविहार वो राष्ट्रीय चिन्ह है। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह वहां का महाविहार है, बौद्ध महाविहार। और मैं पढ़ रहे थे कि जब अंग्रेजों ने समूचे भारत को आक्रांत किया था, यानी उसका सूर्य नहीं डूबा था कहीं, पूरा विश्व पर शासन किया था, लेकिन बुद्ध की संस्कृति के चलते थाईलैंड में अंग्रेजों ने कभी नहीं शासन किया। थाईलैंड बौद्ध कंट्री है, वहां मुसलमान भी नहीं गए, ये जान लीजिए। थाईलैंड में मुस्लिम और अंग्रेज नहीं शासन किया, ये इतिहास है। थाईलैंड में बहुत वेश्यावृत्ति है। अरे भाई क्यों बदनाम करते हो भाई? ताइवान में जो बुद्ध की संस्कृति, सम्राट अशोक की संस्कृति अरबों रुपया खर्च करके, अरब रुपया, अरब से ज्यादा ताइवान छोटा देश है, बुद्ध देश है, किताब पूरा भारत में पाटता है हिंदी में संस्करण करके, और उस ताइवान को यहाँ का मीडिया लिखता है ताइवान में भूर्ण खाता। क्या भाई क्या ऐसा बदनाम करोगे? अरे आपके यहाँ तो आदमी खाता है, आपका आदमी खुदाई में निकलता है, यहाँ कौन अभी सजा हुआ है, कौन खोली है, आदमी खाता है, और आप बदनाम कर रहे हैं ताइवान को, इसलिए कि ताइवान आपके यहाँ देश में पूरा बुद्ध का, सम्राट अशोक का किताब पाठ रहा है फ्री। ऐसी संस्कृति जिसने सम्राट अशोक ने अपना बेटा बेटी के बिछुआ बिछड़ी बनाकर भेज दिया। अरे भाई आप उसको क्यों कह रहे हैं कि सम्राट अशोक? मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, अब हर साल एक क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक शूद्र था या क्षत्रिय था? अब बताइए ये क्वेश्चन क्या जरूरी है देना? अभी ऐसा इतिहास दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इस देश में चल रहा है पोजीशन ऑफ शूद्राज, ये इतिहास में है। ओरिजिन ऑफ वर्णाज इन एंशिएंट इंडिया, वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण व्यवस्था, बोलिए इस देश में क्या जरूरी है? अभी तो संविधान की संस्कृति है, अभी ये देश संविधान से चल रहा है, और संविधान बुद्ध की संस्कृति से चल रहा है। बाबा साहब ने, जैसे बुद्ध ने 7 साल रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद लोगों को बताया, क्योंकि बुद्ध से पहले कोई भारत में धर्म नहीं था। एक आदमी एक आगरा में बोल रहे थे, बोला कैसे नहीं धर्म था बताइए? हम कहा ये बताइए कि बुद्ध धर्म से पहले क्या था? इस्लाम था? नहीं था। ईसाई था? नहीं था। सिख थे? नहीं था। पारसी था? नहीं था। तो फिर आप क्यों लिखते हैं कि बुद्ध का जो धर्म था, बुद्ध की संस्कृति थी, सभी धर्मों का निचोड़ था? अरे उस समय तो कोई धर्म ही नहीं था। हाँ एक धर्म था, धर्म नहीं उसको कही, कर्म कांड। बुद्ध ने वो कर्म कांड को देख कर ही एक धम्म रास्ता बताया था, संस्कृति, वही संस्कृति सम्राट अशोक ने अपनाया, और वो संस्कृति के समय में, मौर्य वंश के समय में कोई भारत की ओर आंख उठा करके नहीं देखा, कोई नहीं। और ये इतिहासकार लिखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन
सम्राट अशोक की संस्कृति है, ऊपर में सिंह है, दया है, करुणा है, और दूसरे तरफ तलवार ट्रैक्टर नहीं था। बुद्ध ने यह मना किया, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, हर साल धम्म यात्रा करता था बोध गया की धम्म यात्रा। अब हम लोग इतना ना अशोक का स्तंभ लेख, शिला लेख, लघु शिला लेख, चतुर्दश शिला लेख, अरे कितना बताना जनता को, जनता को यही बताइए कि ये बुद्ध की संस्कृति थी। और उसका जवाब एक है कि बुद्ध की संस्कृति अडॉप्ट कीजिए, सम्राट अशोक की संस्कृति अपनाइए, इसी में भलाई है, इसका यही जवाब है, कहीं नहीं पार पाइएगा, कहां कहां बताइएगा भाई। और मुसलमान के बाद यहां अंग्रेज आ गए, 700 वर्षों में हमारी क्या स्थिति।